अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और ये है शार्प एक्वस 02। आज इस फ़ोन का मैं पबजी टेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज काफ़ी डिमांड आ रही थी यूज़र्स की तरफ से कि भाई 28-30 हज़ार रुपये में ये फ़ोन मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 855 का एक फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट भी है, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज भी है, UFS 3.0 वाली, ऊपर से OLED पैनल है, 240 Hz का ये पैनल है और कर्व्ड पैनल है। मतलब इतने प्रीमियम जो फीचर्स हैं इस रेंज में तो ख्वाब में भी नहीं देखे जा सकते। और पाकिस्तानी मार्केट की रियलिटी ये है कि 30-35-40 की रेंज में पिछले साल तो हमें अच्छे फ़ोन्स मिलते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेट इस साल जो सिचुएशन बनी हुई है डॉलर टैक्सीज हर चीज़ का मलबा डाल के, तो रेलू कट्टा टाइप स्पेसिफिकेशंस ही मिल रही हैं। तो ऐसे में यूज़र ना इन किट्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या ये किट जो है ये बाय करना वर्थ करती है? आज इसमें पबजी टेस्ट में मैं पबजी विद FPS मीटर भी खेलूंगा, वैसे भी खेलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे, हीट बैटरी ड्रेन हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इन शॉर्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको शार्प एक्वस 02 को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। ओके जी, ये है शार्प एक्वस 02, जैपनीज किट फ़ोन है और कंडीशन आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन वाली ये डिवाइस है। मार्केट से रैंडमली मैंने परचेज़ करवाई और ऊपर नीचे राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत होता है, बट ओवरऑल फिट डिवाइस है और OLED डिस्प्ले के साथ ही आती है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, स्पीड एक्यूरेसी अच्छी है उसकी। और ये देखें, ये कर्व्ड पैनल के साथ है तो शशके हैं, दिल पिघल जाता है ऐसी स्पेसिफिकेशंस देख के। और वेट बहुत लाइट है भाई, आइडियली यहाँ पे ना 142 ग्राम के आसपास, मतलब इससे लाइट वेट फ़ोन ही मैंने देखा। और 240 Hz का ये पैनल है, शुरू में तो काफ़ी स्मूथनेस और मक्खन मलाई नज़र आ रहा है मुझे, बट ये जो एंड्रॉयड 11 के ऊपर अपडेटेड भी है। इसके अलावा एंतुतु स्कोर 3,47,000 के आसपास आता है इसका, और इसकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है फॉर योर रेफरेंस स्क्रीन पे आ रही है, आप इसको देख सकते हो। और बैटरी जो है गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले 96% के ऊपर है, ये भी आप देख सकते हो। हीटिंग का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रूम टेम्परेचर 32-33 है और डिवाइस पे भी ऑलमोस्ट यही है 30-31 के आसपास, बैक पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। ग्राफिक्स जो है स्मूथ बैलेंस HD HDR विद एक्सट्रीम तक जाता है, अल्ट्रा HD जरा डाउनलोड होने वाला है, तो मैं स्मूथ विद एक्सट्रीम खेलूंगा जहाँ पे ज़्यादातर खेलते हैं यूज़र्स। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे TDM मैचेस से, थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा। और इनिशियली तो जो 60 FPS के ऊपर रखे परफॉर्मेंस है अच्छी नज़र आ रही है, FPS भी पूरे नज़र आ रहे हैं और परफॉर्मेंस से पता चल रहा है। जो जायरो कनेक्टिविटी है वो भी ठीक है, जो मूवमेंट है ये आपके सामने आप देख सकते हो। जाहिर है यार, एक फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन है, फीचर्स भी उसी हिसाब से हैं। तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर बैठ के ना कोई 1.5 घंटा गेमिंग किया है, तो मैं आपको कंसाइजली जो अपने सेलेक्टिव गेम प्लेज है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको परफॉर्मेंस का आइडिया हो। और ना मैं यहाँ पे कोई अपनी गेमिंग का भी टेस्ट नहीं दे रहा दिखाने के लिए, मैं आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। तो जो TDM मैचेज हैं मैंने खेले हैं और फायर कनेक्टिविटी स्टार्ट में बहुत अच्छी जा रही थी, जो मूवमेंट्स थी जायरो की वो भी ठीक थी, ओवरऑल एक अच्छा रिस्पांस था, एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही थी स्टार्ट के अंदर। और आगे इसके ये मैंने दूसरा गेम प्ले, मतलब TDM मैच एक ख़त्म हुआ, डिवाइस थोड़ी वार्म हुई और ये दूसरा जो मैच था इसके अंदर FPS जो है ना वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गए, मतलब थोड़ा सा ना चौपी गेम प्ले मुझे लग रहा था। मुझे लग रहा था कि 60 FPS पूरे नहीं मिल रहे, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मैंने फिर भी गेम प्ले इसको रखा आगे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें मेरा 60 FPS के ऊपर है, मैंने इसको नहीं डाउन किया, लेकिन गेम प्ले काइंड ऑफ मुझे 45-40 FPS के आसपास का मिल रहा है। तो ये डिवाइस थोड़ी सी गर्म होने के बाद ही स्टार्ट हुई है, नॉर्मल एक पंखा चल रहा है उसी रूम के अंदर इन्वायरमेंट में जिसमें नॉर्मल यूज़र खेल सकता है, मैं उसी इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के खेल रहा हूँ, कोई AC वेसी नहीं चल रहा मेरे आसपास। तो ये चीज़ें हैं सारी, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे चौपी ने स्टार्ट हो गई है। आगे इसको देखते हैं हीटिंग का क्या स्नैरियो रहता है और बैटरी कितनी ड्रेन करता है, बिकॉज 96% से हमने 2 TDM मैच खेले हैं यहाँ पे, और देख लेते हैं आगे क्या सिचुएशन रहती है इसकी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मैं एंड करने वाला हूँ, ये जो TDM मैचेस हैं दो, उसके बाद भी FPS मीटर भी देखेंगे, 40 पे चला गया, 41 को टच कर रहा है, ठीक है, इसको अभी ओवरहीट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ओवरहीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह की चीज़ें आप देखें, 80% पे बैटरी आई है, 2 TDM मैच 15 मिनट में 96% से 80% के ऊपर। उसके बाद मैंने TDM मैच यहाँ पे स्टार्ट किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अक्सर मुझे पूछते हैं कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके चलाओ, क्या हैंडल करता है यहाँ पे ये फ़ोन? अब अगर पावर देखी जाए, ताकत देखी जाए स्नैपड्रैगन 855 की, तो हैंडल करना चाहिए ना। 60 FPS स्मूथ के साथ ही खेल रहा हूँ मैं, कौन सा कोई ऊपर वाले के साथ HDR विद एक्सट्रीम खेल रहा हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस टाइम पे ऑन है और गेम प्ले चल रहा है,
तो बस जो पहले चौपीनेस था वो और थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ये फ़ोन हैंडल नहीं कर पाया और मुझे थोड़ा सा ना वार्म होता हुआ भी फील हो रहा है हाथों में कि हो रहा है थोड़ी सी, और FPS ड्रॉप जो है ना वो काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ पे एनिमीज झपटते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं ऊपर नीचे, मतलब बिल्कुल भी एक जैसा गेम प्ले इसको हैंडल करना चाहिए ना, लाइक जिस तरह मैंने सोनी एक्सपीरिया 1 में स्नैपड्रैगन 855 वहाँ पर चीज़ें देखी थी वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई। तो बिल्कुल भी जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हैंडल नहीं कर रहा था स्नैपड्रैगन 855, और ये आपके सामने है, आप नोटिस भी कर सकते हो, और ये परफॉर्मेंस है, डिसअपॉइंट किया इस फ़ोन ने यहाँ पे। और मैच खेलने के बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हीटिंग वीटिंग और बैटरी ड्रेन भी देख लेते हैं। सिर्फ एक मैच खेला है, मज़ा ही नहीं आ रहा था, मैं आगे क्या करता है इसको। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है और 41 से भी ऊपर चला गया, बैक साइड पर ज़्यादा मुझे गर्म फील हो रहा है, और यहाँ पर 40 ये देखें 42 को हिट कर गया, और उसके बाद बैटरी जो है 75%, एक मैच खेला है 80 से 75% के ऊपर आ गई बैटरी। और उसके बाद ये देखें जी FPS मीटर मैंने अटैच कर लिया, आपको FPS चलते हुए नज़र आ रहे हैं, वायर के साथ मैं अटैच करके खेल रहा हूँ, और इसलिए मैं बैटरी ड्रेन को नहीं यहाँ पे जज करूँगा, सिर्फ FPS को हम जज करेंगे। तो यहाँ पे भी स्टार्ट में FPS जो है ना मैंने मतलब एक्सट्रीम पे रखे हैं, मैं 60 FPS, लाइक कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, ये आप देखें 60 FPS हैं, और ये कहाँ पे मुझे FPS दे रहा है, मतलब इस तरह के जो FPS हैं आपको हीलियो G95 या G96 जैसी जो डिवाइसेज हैं वो 40 FPS TDM मैच में मेंटेन रख के दे देती हैं। इवन पिंग का भी कोई इशू नहीं है, मेरा जो इंटरनेट है वो भी काफ़ी स्टेबल परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इंटरनेट स्लो है वो FPS वहाँ से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखें 24, 22, मतलब यार ये क्या चल क्या रहा है, ये मतलब शार्प एक्वस R3 भी इसी तरह की हरकतें कर रहा था, और ये 02 भी कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं बड़ी, मतलब गेम खेलते हुए मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि यार ये किस तरह की परफॉर्मेंस निकल रही है इसके अंदर से। अब ये मैंने एक TDM खेला, यहाँ पे देखें 40, 41 को ही टच कर रहा है ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर, और दूसरा जो है बैक साइड पे भी कुछ यही कहानी है टेम्परेचर की 40, 41, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गया हूँ कि कुछ क्लासिक भी ट्राई कर लें, ऑल्दो 70% बैटरी है इसकी, क्लासिक से क्या उम्मीद करनी है जब TDM ही ऊपर नीचे है, यहाँ पे लॉबी में इसकी फटी पड़ी है, मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये आप देख सकते हो वह सारी फ्लक्चुएशन, इंटरनेट ठीक है, पिंग ठीक आ रही है, जंप कर चुके हैं बूट कैंप के ऊपर खुदकुशी करने के लिए क्योंकि नीचे जाके कुछ संभालना तो जाना नहीं है अपने से। तो बहरहाल यहाँ पे हवा में तो चीज़ें कुछ बेहतर हैं, बट FPS ड्रॉप आया था जब जंप किया था ना, तो वहाँ पे फ्लक्चुएट हुई थी चीज़ें। आगे मैं इसको थोड़ा FPS मीटर भी अटैच करूँगा ताकि आपको आइडिया हो, मैं विदाउट FPS चला रहा हूँ ताकि आप दोनों गेम प्ले इसको कंपेयर कर लो, ताकि आपको बेहतर आइडिया मिल जाए चीज़ का। नीचे बूट कैंप उतरते हैं और यहाँ से मैं कोई कट नहीं लगा रहा इस वीडियो को कि आप इसकी जो ऊपर से जंप करने के बाद नीचे लैंडिंग है ना वो आप देखो, कि कुछ गेमर्स को कुछ गेम प्ले में इसी तरह आइडिया मिल जाता है कि यार चीज़ें कहाँ पे स्टैंड करती हैं। मुझे, मैं इतना कोई प्लेयर तो हूँ नहीं इस गेम का, बट जितनी खेलनी आती है मेरे हिसाब से भी मतलब मज़ा नहीं दे रहे थे। तो नीचे लैंड करने के बाद इधर उधर भागे हैं, तो फ्लक्चुएशन FPS की है, 60 FPS यहाँ पे मैनेज नहीं किए। और एक चीज़ आपके माइंड में रहे, मैंने स्मूथ विद एक्सट्रीम रख के खेले हैं जितने भी गेम प्लेज हैं, ठीक है। और बाकी है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमीज आगे पीछे होते हैं वहाँ पे ठीक कर लेता है, बट इस तरह नहीं ना चलता, स्नैपड्रैगन 855 को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी फिर ही मज़ा आएगा। तो बिल्कुल कंटिन्यूस यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है ना नोटिस होती रही है मुझे। तो यहाँ पे मैं बहरहाल गेम प्ले अपना कंटिन्यू किया, अब ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे कंपेटिटिव, तो क्या बंदे ने एक्सपेक्ट करना, यहाँ पे तो कैजुअल गेमिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा। और 60 FPS मैंने कंसिस्टेंट यहाँ पे रखे खेले हैं, कोई आगे पीछे नहीं किया, टेम्परेचर 39, 40, 41 के आसपास ही रहा है इसका, बैक साइड ज़रा थोड़ी ज़्यादा गर्म होती हुई मिली है, 42 तक है देखें टेम्परेचर इसका। बैटरी जो है इसकी ये 70% से 56 पे आ गई है, सिर्फ एक क्लासिक मैच खेलने में जो 25-30 मिनट के आसपास होता है। और उसके बाद मैंने FPS मीटर लगा लिया ताकि ये भी देख लें, लॉबी में भी FPS ड्रॉप हो रहे हैं, जहाज़ में बैठे भी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, चक्कर आ रहे हैं FPS को। और बट मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, ये फ़ोन ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया मुझे। FPS यहाँ पे मैं कट नहीं लगाऊंगा, नीचे जाते हुए आप देखें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रहा है, लाइक 44 तक तो हमने देख लिया है उसके बाद। और ये बूट कैंप जहाँ पे ज़्यादा मतलब हॉट ड्रॉप होता है, ज़्यादा ऑडियंस उतरती है यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्षेत्र पड़ते हैं, यहाँ पे FPS ड्रॉप हो जाए तो काम ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल काफ़ी फ्लक्चुएशन है, गेम प्ले खेलने के काबिल नहीं है। और नीचे उतर के आपको ये देखें 39 का भी मुंह देख लिया, 37 भी देख लिया, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो यार समझ में नहीं आती। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, और मैं खुद गेम प्ले से पहले थोड़ा एक्साइटेड था, बट जैसे ही टेस्टिंग स्टार्ट किया तो जज्बात बदल गए सारे, मतलब ना ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं सारी, हालात बदल गए।
तो बहरहाल थोड़ा सा मैंने खेला है ताकि इसको मज़ीद देखें, नीचे उतरते ड्रॉप होते साथ ही थोड़ा कोई लूट वूट मिल जाए तो वो उठाते हैं और आगे देखते हैं चीज़ें। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। अब कंसिस्टेंट मैंने रखा हुआ उस पर एक्सट्रीम पे, स्मूथ विद एक्सट्रीम, एटलीस्ट उसको 55 तो मेंटेन करने चाहिए ना। अब देखें 24 इस तरह के FPS होंगे तो गेम प्ले कैसे खेलोगे इसके ऊपर। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं भाई, ये जो इसका UI है मे बी उसकी कुछ ऑप्टिमाइजेशन। 22 यहाँ पे यार 21 FPS मिल रहे हैं, तो भाई मेरी इज्जत ने गवारा नहीं किया, मैंने गेम प्ले बंद कर दिया वैसे ही। अब ये मैं आपको बैटरी दिखा रहा हूँ, 47% पे आ गई है। 1 घंटा कोई 15 मिनट मैंने गेमिंग की है, लाइक 1.5-2 घंटे आपको बैकअप मिल सकता है इसके ऊपर, बैटरी छोटी है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है यहाँ पे। तो PUBG परफॉर्मेंस आपने देख ली है, Aqua 02 की हर तरह फेल हो गया। TDM मैच भी अच्छे नहीं खिलवाता, थोड़ा सा हीट पकड़ता है, FPS ड्रॉप कर देता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो तो ऐसे लगता है फोत होने वाला है। FPS मीटर चलाओ तो ये हमें पागल बनाता है, मतलब 8 FPS 15 FPS दिखाता है। मतलब G35 चिपसेट है ये कोई, ये स्नैपड्रैगन 855 है भाई। मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पे थी, बट जो सिचुएशन है हर चीज़ मिलियामेट हो गई यहाँ पे। और मैं कोई दुकानदार तो हूँ नहीं यूट्यूबर जो आपको कहूँगा माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, 27-28 हज़ार रुपये में देखो आपको क्या क्या फीचर ऑफर करा, ले लो इसको। मैंने रियल रिव्यू किया, परचेज़ किया एक बेहतरीन किट को ताकि एक फेयर टेस्टिंग हो सके, और मेरी टेस्टिंग में ये PUBG में फेल हो गया, फोत हो गया ऑलमोस्ट। इस फोन को आप ना लेना भाई, 27-28 में नॉन PTA मिल रहा है। और ये जो AU वेरिएंट है ना, इसमें डोकोमो और AU दो वेरिएंट्स आते हैं। AU वेरिएंट का जो PTA टैक्स है अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम आता है, लाइक 4530 रुपये है, 4530 रुपये मैंने खुद चेक किया हुआ, ये स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो बहरहाल बैटरी के भी इशू है 3130 mAh की, जब परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्मेंस भी ना हो और बैटरी भी ना हो तो फिर फ़ायदा लेने का सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के नंबर देखने आपने, ना पैसे अपने वेस्ट करना। हाईली नॉट रिकमेंडेड फ़ोन है, इवन दो मेरे पास ये सोनी का Xperia 1 है, इसमें भी स्नैपड्रैगन 855 है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही लेवल की है। इसको भी मैंने रिव्यू किया, इस पर भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ FPS मीटर के साथ टेस्टिंग की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना वीडियो। नॉन PTA में मैंने 24-25 में परचेज किया था, और मैं वाईफाई पे ही खेलता हूँ इसके ऊपर, गेमिंग बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट एक्वस की जो डिवाइसेज है ना वो नहीं, R3 भी टेस्ट किया था उसमें भी AU थे। अब मुझे ये ना कहना कि कूलर वूलर लगा के खेलो, भाई हर बंदे के पास कूलर शूलर का नहीं इंतजाम होता। तो बहरहाल ये जो फ़ोन है आपको कहीं से भी मिले Aqua 02, इसको PUBG के लिए मत लेना, बल्कि इसको लेना ही ना, बहुत इश्यूज हैं, बैटरी बहुत कम है, पानी की तरह जाती है, मतलब पैसे नुकसान कर बैठोगे आप। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इस फोन को नहीं लेना, हाईली नॉट रिकमेंडेड है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे कोई भी वीडियो आए, चाहे 5, 6, 10 दिन बाद भी आए ना, तो नोटिफिकेशन आपको एटलीस्ट उसका मिल जाए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।